गुड मॉर्निंग। अपनी लाइफ को वंडरफुली चेंज करने के इस वन ईयर चैलेंज का दूसरा महीना चल रहा है। द सीक्रेट डेली टीचिंग्स में साल के हर एक दिन के लिए एक नया मैसेज दिया गया है। कुछ मैसेजेस हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे, कुछ मैसेजेस पुरानी बातों को रिमाइंड करवाएंगे। सो आर यू रेडी? आज तक मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए ये समझाने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है। लेकिन आज एक इतना पावरफुल, इतना ब्यूटीफुल मैसेज दिया गया है जो कि एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है, जो सच्चाई है। और ये चीज़ हमारे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा फास्ट बनाने वाली है। हाँ, इनफैक्ट हमारे पूरे माइंडसेट को चेंज करने वाली है। अभी आप ये मैसेज मेरा सुन पा रहे हैं, यानी कि आपके फ़ोन में इंटरनेट और वाईफाई कनेक्शन है, राइट? जब भी आप वाईफाई मोबाइल डेटा ऑन करते हैं, आपके फ़ोन में इंटरनेट आ जाता है। क्या आप इस इंटरनेट को अपनी आँखों से आते जाते देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये सिग्नल्स होते हैं जो हवा में कहीं हैं, तरंगे हैं, और हम इन्हें नहीं देख सकते। पर क्या इंटरनेट वगैरह ये सब झूठ है? नहीं, ये सच है और हर पल हम इसे यूज़ कर रहे हैं, राइट? ठीक इसी तरह हमारे बीच और यूनिवर्स के बीच सिग्नल्स का एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। हमारे मन में अभी इस वक्त भी जो भी सोच, विचार, फीलिंग्स आ रहे हैं ना, वो हर एक चीज़ एक तरंग बनकर, एक सिग्नल बनकर ऊपर यूनिवर्स तक पहुंच रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड में पहुंच रहे हैं। और जैसी तरंगें, जैसे सिग्नल्स हमारे अंदर से निकलेंगे, वैसी ही एग्जैक्ट चीज़ें यूनिवर्स हमारे फिजिकल वर्ल्ड में पैदा करेंगे। ये उनकी ड्यूटी है, ठीक है? ये पूरा लॉ है ना। लॉ यानी क्या? कोई एक कायदा। तो ब्रह्मांड का कायदा ही ये है कि आप जो भी मुझे दिखाएंगे, जैसी भी सिग्नल्स देंगे, वैसी ही चीज़ें मैं आपको दूंगा। और पता है, कभी कभार हम बोलते हैं कि यूनिवर्स हमें बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एक्चुअली वो हम ही अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा पहला जन्म नहीं है, ठीक है? हम बहुत सारे जन्म लेकर यहाँ पर आए हैं, और ये जन्म लेने से पहले भी हमने अपनी पूरी डेस्टिनी को लिखा हुआ था कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। कुछ चीज़ें लेसन सिखाने के लिए हमने अपनी लिस्ट में ऐड कर रखी हैं। कभी कभी हम यूनिवर्स को बोल कर आते हैं कि मुझे प्रोटेक्ट करना है, मैं ये सब करूँगी, पर मुझे प्रोटेक्ट करना। जैसे यू नो, डाइटिंग के टाइम पे हम बोल के रखते हैं कि मम्मी मुझे राइस खाने का मन करेगा पर मुझे रोकना है, मुझे स्वीट्स खाने का मन करेगा, मैं बहुत रोऊंगी, कुछ भी आपको बोलूंगी पर मुझे मत खाने देना, रोकना, राइट? उसी तरीके से हमने जो इंस्ट्रक्शंस यूनिवर्स को दे रखे हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, इसीलिए हमें हर बुरी चीज़ से बचाते हैं। तो कभी आपके लाइफ में अगर सब कुछ ट्राई करते हुए भी कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हुई, दैट मीन्स आप ब्लेस्ड हो, आप प्रोटेक्टेड हो। तो उस बात के लिए रोना मत कभी भी। ओके, नाउ बैक टू सिग्नल्स। हम एक पॉजिटिव सिग्नल यूनिवर्स में भेजने लगते हैं, कोई विश का सिग्नल पकड़ लीजिए कि मेरे पास बहुत हाई सैलरी वाली जॉब है। अब ये सिग्नल ऊपर जा ही रहा था, तभी मैंने बीच में डाउट ला दिया कि अभी तो पैंडमिक है, कोविड है, इतनी हाई सैलरी कोई कैसे देगा, जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट होगी। तो अब वो सिग्नल यूनिवर्स में नहीं जाएगा जॉब वाला, क्योंकि मैंने उसे बीच में ही रोक दिया, मैंने दूसरा थॉट क्रिएट कर दिया। तो अब जो मैंने दूसरा थॉट, यानी जो डाउट वाला थॉट मैंने क्रिएट किया, अब वो उसकी सिग्नल ऊपर जाने लगेगी। जैसे मैंने क्या सोचा, जॉब मिलना मुश्किल है, हाई सैलरी मिलना मुश्किल है, तो अब ये वाला सिग्नल ऊपर जा रहा है और यही होगा। मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो भी 5-6 हज़ार की मिलेगी, हाई सैलरी नहीं मिलेगी, और जो मैंने सोचा वो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। क्योंकि यूनिवर्स तो कभी फेल होते ही नहीं है हमारी सिग्नल्स हमें वापस देने में। हम फेल हो जाते हैं पूरे विश्वास से उस सिग्नल को ऊपर भेजने में। तो अब मेरी जॉब वाली सिचुएशन का यही एग्जाम्पल लेते हैं। सो अब मैंने नेगेटिव बात तो सोच ली अपने जॉब के बारे में, नेगेटिव सिग्नल ऊपर जा रहा है और मुझे उसे रोकना है, तो मैं क्या करूँगी? तुरंत मैं कुछ पॉजिटिव सोचूंगी, तो फिर वो पॉजिटिव वाला सिग्नल जाने लगेगा। अब हमारा मेन टास्क क्या है पता है? कि उस सिग्नल को ऊपर तक पहुँचाने में हमें उसे पूरा सपोर्ट करना है। जब हम एक ही थॉट पे लगे रहेंगे, तभी वो ऊपर 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 जाता जाएगा।
तो अगर मुझे अच्छी जॉब चाहिए तो मैं कंटिन्यूसली यही सोचूंगी मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, और वो सिग्नल सीधे ऊपर तक चला जाएगा और मेरे पास अच्छी जॉब आ जाएगी। आई थिंक ये जो सिग्नल की जो स्पीड है ना, ये डिपेंड करती है कि कितना गहरा विश्वास आपको है। अगर आप थोड़ा थोड़ा विश्वास कर रहे हो तो वो सिग्नल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा। इन्फॉर्मेशन तो सेम है, पर जिस तरीके से इसे प्रेजेंट किया गया है वो माइंड ब्लोइंग है। और हाँ, कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है तो आप गलत सिग्नल्स भेजते जा रहे हैं, राइट? तुरंत चेंज कर पॉजिटिव सोचिए। और डरने की तो बात अब है ही नहीं, क्योंकि आप खुद सुन रहे हैं कि किस तरीके से यूनिवर्स काम करता है। सिग्नल्स जैसे ही निकली वो चीज़ आनी ही है, उसे कोई रोक ही नहीं सकता, बस हमारा डाउट उसे रोक देता है। तो सच्चाई जानने के बाद तो डाउट आना ही नहीं चाहिए, डर लगना ही नहीं चाहिए, ठीक है? सेंड एक्सट्रीमली पावरफुल सिग्नल्स इन द यूनिवर्स एंड एन्जॉय योर लाइफ। हम यहाँ पे जीने के लिए आए हैं और हम पूरी तरह इस जिंदगी को जीकर खुशी से यहाँ से जाएंगे, ठीक है? अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज, अनइम्पॉर्टेंट लोगों के लिए रोकर टाइम वेस्ट करने का टाइम ही नहीं है। एक दिन बंदिया है उड़ जाना, पलट के आना नहीं, ओ बंदिया पलट के आना नहीं। मानव जन्म अमूल्य है बंदिया, रोके गवा।